So good morning to all of you. Welcome to the ICC Academy. So from today onwards, we are going to start our daily basis current affairs. So from tomorrow onwards, हम try करेंगे कि 5 से 6 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड कर दें. आज थोड़ा लेट हो रहा है, पहला दिन था इसलिए. और इससे पहले जो भी आपका करंट अफेयर छूट गया है वो हम मंथली बेसिस पर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है. तो कल से लेकर 5 से 6 बजे के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़. पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. अब देखिए, कल 9 नया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फिर से फ्लैग ऑफ हुआ है. इससे पहले हम लोग के पास 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था, कल 9 मिला के ये हो गया टोटल 34. पहला वंदे भारत जो था वो आपका 15 फरवरी 2019 को रनिंग हुआ था, दैट फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है. अब देखिए, जो भी ब्रेकिंग न्यूज होगा, हेड न्यूज होगा, वो ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो हम यहाँ पर पीपीटी के तहत लिख के आपको नहीं बताएंगे. जो भी यहाँ पर आपको कुछ भी डिराइव करना होगा वो हम खुद यहाँ पर लिखेंगे. तो आपको भी अगर नोट्स यहाँ से बनाना होगा तो अभी यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं. हम पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाने वाले, हम कोई भी चीज़ पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं. बस न्यूज़ का हेडिंग देते हैं, उसको जो भी उसका डेराइवेशन होगा खुद यहाँ पर डिराइव करते हैं. तो अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको लिखना हो तो आप यहाँ से मेंशन कर सक लिख सक मेंशन करके लिख सकते हैं, ठीक है. क्योंकि जितना आप खुद लिखेंगे आपको उतना याद रह जाएगा करंट अफेयर्स. तो यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू की, जो 9 वंदे भारत नया एक्सप्रेस ट्रेन है उसका रूट क्या है. फर्स्ट वन इज उदयपुर टू जयपुर, सेकेंड वन इज चेन्नई टू तिरुनवेली, थर्ड वन इज हैदराबाद टू बेंगलोर, फोर्थ वन इज विजयवाड़ा टू चेन्नई, फिफ्थ वन इज पटना टू हावड़ा, सिक्स्थ वन इज कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम, सेवेंथ वन इज राउरकेला टू भुवनेश्वर टू पुरी, एट वन इज रांची टू हावड़ा, एंड लास्ट वन इज जामनगर टू अहमदाबाद. बस इतना याद रखना है अभी, जो 9 नया ट्रेन का रूट प्लस पहले 25 था, अभी 9 मिलके 34 हो गया. तो पहला जो वंदे भारत था वो 15 फरवरी 2019 को कमेंट हुआ था, दैट फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड, मन की बात. ये नरेंद्र मोदी जी का 105th मन की बात था. वहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रयान 3 को हम सफल लैंडिंग कराए. उसके बाद उन्होंने G20 समिट के बारे में बताया कि हम कैसे G20 समिट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए इंडिया के अंदर. चंद्रयान का लैंडिंग जो है वो थोड़ा पुराना न्यूज़ बन गया, लेकिन G20 को अगर आप देखेंगे, कोई भी इस बार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो G20 के बारे में अगर कोई पूछेगा तो उसका जो भी मेन चीज़ है वो ये होगा कि जो G20 कंडक्ट होने के बाद उसका सक्सेसफुल आउटकम क्या हुआ. कुछ तो आउटपुट निकल के आया है, वो आउटपुट आपको क्वेश्चन में जरूर पूछेगा. तो पहला जो आउटपुट था इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं. पहला जो आउटपुट था दैट वाज कि हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 के फ्रेमवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस किया. मतलब अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन G20 फ्रेमवर्क, परमानेंट मेंबर बन गए. सेकेंड वन इज हम कैसे G20 को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए. उसके वही हम लोग का जो एक डिक्लेरेशन था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लीडरशिप डिक्लेरेशन, कि हम कैसे G20 समिट को एक साल के अंदर कितने सारे मीटिंग करके कैसे इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए. दैट वॉज अवर सेकेंड आउटपुट, दैट इज नथिंग बट न्यू दिल्ली लीडरशिप डिक्लेरेशन.
नंबर थ्री इज सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए कॉरिडोर। इंडिया से जाएगा मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पर आएंगे यूएई प्लस सऊदी अरब, यूएई से रोड जाएगा यूएई, यूएई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से यूरोप, यूरोप से यूएसए, ये कॉरिडोर बनने वाला है। जैसे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, वैसे ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए के बीच में एक यहाँ पर कॉरिडोर बनने वाला है। ये आपका थर्ड नंबर ऑफ अचीवमेंट। फोर्थ अचीवमेंट क्या है, देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इंडिया यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है जहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक बनाया गया जिसका हेड है अभी इंडिया। तो ये चीज है आपका G20 समिट का फोर सक्सेसफुल आउटकम। इसके ऊपर अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये चार पॉइंट के ऊपर ही वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब अगर ऐसे भी G20 के ऊपर और भी पूछ सकता है कि G20 का शेरपा कौन था, हेड कौन था, अमिताभ कांत, तो ये सब तो नॉन चीज है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये चार सक्सेसफुल आउटकम। G20 तो हम कन्वर्ट करवा लिए, लेकिन G20 से इंडिया को मिला क्या, ये चार आउटकम इंडिया को मिला है G20 से। थर्ड वन इज इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 टू बी हेल्ड इन इंदौर, इंदौर इज मध्य प्रदेश, 26 एंड 27 सितंबर 2020। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज है इंडिया के अंदर। अभी हर साल क्या किया जाता है कि एक स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव होता है जिसके तहत जो 100 नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज है, जो भी सिटी का सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको अवार्ड मिलता है। इस साल जो जो वो अवार्ड सेरेमनी होगा वो इंदौर में होगा। उस अवार्ड का नाम है ISAC, दैट इज नथिंग बट आवर इंडियन इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। इस बार इसको प्रेसिडेंट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्रेसिडेंट प्रोवाइड करेंगे। 26 और 27 को यहाँ पर कॉन्क्लेव होगा, उसके एंड में ये ISAC का अवार्ड, कोई एक सिटी जो सिटी सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा उसको ये अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन है, दैट इज June 25, 2015 को लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है, इतना ही जानना है इसके बारे में। थर्ड वन, एक तारीख एक घंटा एक साथ, इसका मतलब क्या, देखिए मोदी जी के बर्थडे के बाद, जन्मदिन के बाद 15 सितंबर से आपका 2 अक्टूबर तक इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छता स्वच्छता पखवाड़ा के हिसाब से अनाउंस किया है। ये जो 15 दिन होगा हम उसको स्वच्छता पखवाड़ा के हिसाब से मनाएंगे। इसका मतलब यही 15 और 16 दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा अपना एफर्ट्स दे पाए सफाई के कार्यक्रम पे। तो अभी तक 15 सितंबर से आज तक टोटल आपका ओवर 5 करोड़ पीपुल इस अभियान में अभी तक मिल चुके हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ प्लस पीपल ज्वाइन दिस पखवाड़ा फोर्टनाइट। ठीक है, अभी ये चीज बोला गया है कि 1 अक्टूबर को संडे हो रहा है, 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक साथ एक घंटा स्वच्छता के लिए आप श्रमदान कीजिए। मतलब ये उसका आखिरी दिन है 1 अक्टूबर इस स्वच्छता पखवाड़ा का। तो ये चीज बोला गया कि आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर एक पास में कोई भी कैंपेन क्लीननेस चल रहा होगा, क्लीननेस, तो हर ब्लॉक हर म्यूनसिपालिटी एरिया में आपका 1 तारीख को कैंपेन क्लीननेस आयोजित होगा। तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आप कोई भी कैंपेन क्लीननेस पे योगदान दीजिए, वहां पर जाके सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद 1 घंटे के अंदर आप एक मोबाइल पे सेल्फी क्लिक कीजिए और वो सेल्फी को एक वेब पोर्टल में अपलोड कीजिए जिसका नाम है, सॉरी, स्वच्छता हाई सेवा पोर्टल। दिस इज सिटीजन पोर्टल,
और यहाँ पर आप इसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। मतलब पूरा पूरी अभी और एक बार समझा देते हैं। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, 1 अक्टूबर को 1 घंटा 10 बजे से 11 बजे, एक साथ आप कोई भी कैंपेन क्लीननेस पे जाइए और वहां पे 1 घंटा आप सफाई के कार्यक्रम पे योगदान दीजिए। उसके बाद आप एक सेल्फी क्लिक कीजिए, उस सेल्फी को स्वच्छता हाई सेवा सिटीजन पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, क्योंकि अभी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में अभी स्वच्छता पखवाड़ा का दिन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह विल चेयर 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल इन अमृतसर ऑन ट्यूसडे 26 सितंबर 2023। अब देखिए, पहले हम समझते हैं कि जोनल काउंसिल क्या होता है। हम लोग के इंडिया में टोटल 5 जोन से, उनमें से एक जोन है नॉर्दर्न जोन, जिसके अंदर आते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, प्लस आपका ये आता है आपका चंडीगढ़। अब इसमें क्या बोला गया देखिए, ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर को आपका नॉर्दर्न जोनल काउंसिलिंग का मीटिंग होगा। मतलब नॉर्थ जोन का एक काउंसिलिंग मीटिंग होगा, जिस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख और चंडीगढ़ का कौन कौन शामिल होंगे देखिए। एक तो होम मिनिस्टर होंगे फॉर श्योर, सेकेंड जितने भी स्टेट है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी होगा तो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लस हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर का पर्सनल चीफ सेक्रेटरी, प्लस उस चीफ मिनिस्टर का 2 सीनियर सेक्रेटरी। इतने सारे इस मीटिंग में अटेंड करेंगे। ये मीटिंग किस लिए बनाया जाता है पहले देखिए, इसको समझते हैं। ये नॉर्थ जोनल काउंसिल क्यों होता है? एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है सेक्शन 15-22 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट 1956। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट। उस एक्ट के तहत इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया और बोला गया कि हर साल जोनल मीटिंग का काउंसिल, जोनल काउंसिलिंग में एक मीटिंग होगा। क्यों मीटिंग होगा अब हम आपको बताते हैं। एक कंट्री तभी स्ट्रेंथ होगा और स्ट्रोंग होगा जब उसका स्टेट का इकोनॉमी भी स्ट्रेंथ होगा। कंट्री के जीडीपी तभी इंक्रीज होंगे जब हर इंडिविजुअल स्टेट का भी जीडीपी इंक्रीज होगा। मतलब एक कंट्री का स्ट्रेंथ तभी इंक्रीज होगा जब एक स्टेट का जाकर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इसीलिए स्टेट का स्ट्रेंथ और स्टेट का इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया और बोला गया कि जोनल वाइज आप मीटिंग कंडक्ट करवाइए और उस मीटिंग में ये डिस्कशन होगा कि हम अपने जोन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज हैं उस जोन के अंदर, उस स्टेट में इंडिविजुअल स्टेट और मिल के कैसे अपने स्टेट का इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे और अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हर साल एक जोनल मीटिंग काउंसिलिंग अटेंड होता है। इस साल भी नॉर्थ जोन का काउंसिलिंग मीटिंग अमृतसर पंजाब में होगा 26 सितंबर 2023 को। दैट वाज आवर 31st मीटिंग। अभी आएगा ट्विस्ट देखिए, क्या ट्विस्ट है। 2014 से 2023 के बीच में अगर ईयर वाला मीटिंग को मैं ऐड कर दूं देन टोटल ईयर 25 मीटिंग है, 25th मीटिंग। अब देखिए ये रूल्स बना 1956 में, 1956 से लेकर 2023 तक, सॉरी 2014 तक आपका ओनली 6 मीटिंग हुआ, क्योंकि ये तो 31st मीटिंग है। 2014 से लेकर 2023 के बीच में ही 25 मीटिंग अटेंड हो गया है सर।
तो इससे पहले 1956 से लेकर 1956 से लेकर 2014 तक ओनली 6 मीटिंग्स हुआ है था। अभी एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद ये हर साल इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन पहले का गवर्नमेंट इसको इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि 1956 से लेकर 2015 इट इज ऑलमोस्ट 65 ईयर्स, 60+ ईयर्स, 60 ईयर्स में आप ओनली 6 बार मीटिंग अटेंड करवाए हैं। और यहाँ पर 2014 से लेकर 2023 9 साल के अंदर 25th नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड हो रहा है। तो अगर हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको हर साल जोनल काउंसलिंग का मीटिंग कराना पड़ेगा। उस जोनल काउंसलिंग मीटिंग में हमको डिस्कशन करना पड़ेगा कि हम अपने जोन के अंदर जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जब एक स्टेट डेवलप होगा तभी जाके एक कंट्री डेवलप होगा। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल विल एंड एट गोवा टूडे। देखिए होगा, आप जब भी एक सी बीच के पास जाएंगे तो एक ऐसे एक लाइट हाउस होता है बड़ा करके लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल लाइट होता है जो यहाँ पर बीम छोड़ता है सी के अंदर। अब देखिए, कोई भी अगर सी बीच को घूमने जाओगे कोई भी टूरिस्ट, तो वो पहले लाइट हाउस को भी देखने जाता है। तो लाइट हाउस जो होता है वो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। अभी इंडिया के अंदर टोटल 75 लाइट हाउस है। तो पीएम मोदी जी यहाँ पर क्या बोले कि जितने भी इंडिया के अंदर 75 लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के आसपास का जो भी एरिया है उस एरिया का डेवलपमेंट कीजिए। क्यों? अगर हम लाइट हाउस के आसपास का एरिया को हम डेवलप करेंगे तो जितना टूरिस्ट पहले से आते थे अभी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, तो ज्यादा करोगे तो गवर्नमेंट के लिए फायदा है। तो इसीलिए ये जो इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में कंडक्ट करवाया गया उसका मेन थीम यही था कि इंडिया के अंदर जो 75 लाइट हाउस है उस लाइट हाउस के आसपास का जो एरिया है उसको कैसे हम डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एट फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट काकरपोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बिगिंस इन गुजरात। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कैसे देखिए, इससे पहले आज से पहले इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि इंडिजीनियस था, मतलब खुद इंडिया के अंदर ही इसको बनाया गया है, था तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में। उसका कैपेसिटी था 540 मेगावाट। ये थर्ड पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरपारा में जो गुजरात में है, दैट वाज 700 मेगावाट का। ठीक है, अभी और एक चीज जानना है कि काकरपुरा में अभी काप 3 रिएक्टर इसका नाम है जो अभी रनिंग कर रहा है, यही अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अभी और एक अंडर प्रोसेसिंग है जो है काप 4, वो और कुछ महीने के बाद जाके तैयार होगा। अभी ओनली काप 3 रिएक्टर जो है वो अभी रनिंग कर रहा है, काप 4 जो है वो कुछ दिन बाद जाके रनिंग करेगा। ये 2010 में इसको टेंडर मिला था, अभी 13 ईयर्स लग गया इसको बन के तैयार होने में, इसका कर पड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर फर्स्ट स्टेट आर्ट टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई एफिलेटेड कैंसर केयर फैसिलिटी लॉन्च बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट जीएमसी काठुआ, सेज अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर इज द रोड मैप फॉर हेल्दी इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, टाटा के साथ मिलकर, टाटा हेल्थ केयर के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के जीएमसी कठुआ में एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बना रहा है जो कि कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। वो 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को फायदा मिलेगा उसमें से, वो है एक तो कठुआ, उधमपुर और ये डोडा। ये 3 ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको ये चीज़ का फायदा मिलने वाला है। पहले इस कठुआ के अंदर कैंसर का हॉस्पिटल होगा जो टाटा बनाएगा। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर ओनली केमोथेरेपी का प्रोग्राम चलेगा, केमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होगा। लेटर ऑन उसका पूरा ट्रीटमेंट, ऑपरेशन सर्जरी का ट्रीटमेंट जो होगा वो लेटर ऑन उसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन पहला स्टेज पे ओनली यहाँ पर केमोथेरेपी का सेंटर बनेगा। ठीक है, अभी देखिए और एक जीएमसी कठुआ में और एक चीज उसको मिला है, वो है
मैटरनल आईसीयू, यहाँ पर एक मैटरनल आईसीयू बनेगा प्लस एम्स बनने वाला है। उसके साथ आपका 300 LPM का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के यहाँ पर जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर बना रहा है 300 LPM का ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है, इतना ही है अभी इसके बारे में। मतलब जम्मू कश्मीर कोई भी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था, तो कठुआ के अंदर अभी एक कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हेल्थ सेंटर के द्वारा बनाया जा रहा है, प्लस जीएमसी कठुआ में एक मैटरनल आईसीयू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर रहा है और एक एम्स भी बनाने जा रहे हैं जीएमसी कठुआ में, प्लस 300 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट केमोथेरेपी सेंटर जो कि कैंसर हॉस्पिटल है उस कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एस्टेब्लिश कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद एस्टेब्लिश करेगा, बना के देगा। नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया एंड यूएन लॉन्च ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल साउथ। अब देखिए ये चीज क्या है। देखिए, इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच में एक मीटिंग हेल्ड हुआ था, उसमें से यूनाइटेड नेशन इंडिया को एक प्रस्ताव दिया कि आपके कंट्री के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है जो सक्सेस हो चुका है, आप एक काम कीजिए, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप ग्लोबल साउथ कंट्री में लेके जाइए और वहां पर इसको प्रचार कीजिए और वहां पर इसको इंप्लीमेंट कीजिए। ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीकन कंट्रीज को। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपना प्रोग्राम लेके जाके दूसरे कंट्री में आप इसको इनिशिएटिव करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ रेवेन्यू इंडिया गवर्नमेंट को भी मिलेगा, तो फायदा हम लोग का ही है। तो इससे क्या होगा कि देखिए ये लाइन लिख लीजिएगा, जो लाइन यहाँ पर एमओयू साइन हुआ था कि शेयर्स इंडिया डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस विथ पार्टनर्स थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक क्या चीज है, देखिए शेयर्स इंडियन डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, जो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है, जितना भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया बना चुका है उसमें सक्सेस पा चुका है, उस प्रोजेक्ट को हम शेयर करेंगे विथ पार्टनर्स कंट्री, सॉरी विथ पार्टनर्स कंट्री थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। वहाँ पर जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, फिर उस प्रोग्राम को वहाँ पर लॉन्च करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यूपीआई, यूपीआई एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिया के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अगर हम कोई भी अफ्रीकन कंट्री को यूपीआई के बारे में बताना चाहेंगे तो हम जाएंगे वहां पे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई को इंप्लीमेंट कैसे करना होगा, फिर हम अपना टेक्नोलॉजी उनको देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सेदारी इंडिया गवर्नमेंट खुद भी लेगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से इसके तहत 75 डेवलपमेंटेड 75 डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो इंडिया डिसाइड किया है अपना पार्टनर्स कंट्री के साथ जाके शेयर करेगा, प्लस कितना कंट्री के साथ, 61 कंट्रीज में जाएगा, प्लस कितने साल में, 6 ईयर्स में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 साल के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, 61 कंट्रीज के अंदर 75 टोटल डेवलपमेंटल प्रोग्राम से जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट्स न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एट तेजू एयरपोर्ट एट अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बना जिसका नाम है तेजू एयरपोर्ट, इसका लागत बना है टोटल 170 करोड़। अभी 170 करोड़ में ये तेजू एयरपोर्ट बना है। और भी एक चीज अनाउंस यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर 3 ऐसा रूट्स, डायरेक्ट रूट्स का अनाउंसमेंट हुआ है जहाँ से फ्लाइट डायरेक्ट रन करेगा। पहला है ईटानगर टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट, ईटानगर टू जोरहाट डायरेक्ट फ्लाइट, ईटानगर टू रूपसी डायरेक्ट फ्लाइट। ये 3 रूट यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 23 सेट टू कमेंस इन फॉर वेन राइट अलास्का यूएसए इंडियन कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स। अब देखिए ये क्या है, हर साल इंडिया और यूएसए के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है,
पिछले साल ये इंडिया में कंडक्ट हुआ था, पिछले साल ये इंडिया में कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कहां पर, औली में। इस साल ये अलास्का यूएस में हो रहा है। तो पिछले साल ये जो है आपका 90th युद्ध अभ्यास है, 90th नंबर युद्ध अभ्यास है, और ये चलेगा आपका 25th सितंबर से 8th अक्टूबर तक। अलास्का यूएसए के अंदर 25th सितंबर से 8th अक्टूबर के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया जाएगा। पिछले साल ये उत्तराखंड औली में इंडिया कंडक्ट करवाया था, एक साल इंडिया करवाता है, दूसरा साल ऑल्टरनेटिव वे में यूएसए इंडिया, यूएसए इंडिया, इस तरह से ये चीज कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, आरोग्य मंथन 2023 टू मार्क 5 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत। देखिए 5 ईयर्स टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और 2 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब देखिए क्या है, एक आरोग्य मंथन है, उसमें एक पहला जो पॉइंट है वो है आपका आयुष्मान योजना। ये आयुष्मान योजना को लॉन्च किया गया था 23rd सितंबर 2018 में, इसको इस साल 5 साल हो गया। अब आयुष्मान योजना के तहत हमको एक हेल्थ कार्ड मिलता है, वो हेल्थ का टोटल अभी तक 5.5 करोड़ पीपल जो है उसका बेनिफिट ले चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से 69,000 करोड़ रुपीज खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है। मतलब अभी तक आयुष्मान योजना के तहत 5.5 करोड़ पीपल इसका बेनिफिट ले चुके हैं। 69,000 करोड़ इसका लागत आया है गवर्नमेंट के ऊपर, एक्स्ट्रा जो बोझ है वो, एक्स्ट्रा खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 69,000 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया है अभी तक। सेकेंड जो मिशन है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम। एबीडीएम जो वो लॉन्च हुआ था आपका 27th सितंबर 2021, ये भी कुछ दिन बाद, ये भी 2 साल होने वाला है। इसका काम क्या है, देखिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको आयुष्मान योजना के तहत आपको हेल्थ कार्ड चाहिए तो आप एबीडीएम के वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अभी तक एबीडीएम के वेबसाइट के तहत से टोटल 45 करोड़ पीपल को हेल्थ कार्ड मिल चुका है अभी, प्लस 30 करोड़ पीपल को अभी तक वो लोग यहाँ पर लॉग इन करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। 30 करोड़ एप्लीकेशन का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इनको भी कुछ दिन के बाद हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। मतलब आरोग्य मंथन जो है उसका दो हिस्सा है, एक आयुष्मान योजना, इसके तहत हम 5.5 करोड़ पीपल अभी तक बेनिफिट ले चुके हैं, इसके तहत आपको हेल्थ कार्ड मिलता है, इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 69,000 करोड़ अभी तक खर्चा कर चुका है। सेकेंड वन इज एबीडीएम, दैट इज नथिंग बट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट द हेल्थ कार्ड। अभी तक टोटल 45 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड एंड ऑलरेडी गॉट द हेल्थ कार्ड, एंड 30 करोड़ पीपल जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन उनके हेल्थ कार्ड मिला नहीं, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। जो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा उनको भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट लिव्स फॉर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 इन रशिया। अब देखिए क्या चीज है, एक है हम लोग का एशियन कंट्रीज, एशियन के अंदर जितने भी कंट्रीज है वो हर साल एक काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं और वहां पर ट्रेनिंग का हिस्सा लेते हैं और वहां पर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। इस साल ये रशिया में हो रहा है। अभी हम देखेंगे एडीएमएम क्या है और ईडब्ल्यूजी क्या है। एडीएमएम का मतलब होता है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग, प्लस ईडब्ल्यूजी होता है आपका एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। इसका काम क्या आप देखिए, हर साल आपका एशियन कंट्रीज के बीच में एक काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले एडीएमएम के तहत एक मीटिंग होता है, उसमें एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लेवल पे ऑफिसर जाते हैं,
वहां पर पहले मीटिंग कंडक्ट होता है। मीटिंग कंडक्ट होने के बाद एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के अंदर सोल्जर्स जाते हैं, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ईडब्ल्यूजी मतलब एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। इंडिया के तरफ से 32 सोल्जर्स गए हैं, दैट्स फ्रॉम राजपूताना राइफल से, राजपूताना राइफल्स के 32 सोल्जर्स यहाँ पर गए हैं ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। उनको बोला जाता है एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। पहले तो मीटिंग कंडक्ट होगा डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल का, जिसका नाम है एडीएमएम। एडीएमएम कंडक्ट होने के बाद ईडब्ल्यूजी ऑन काउंटर टेररिज्म एंड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो भी ईडब्ल्यूजी के तहत गए होंगे, जैसे इंडिया से 32 सोल्जर्स गए हैं राजपूताना राइफल से, वैसे हर कंट्री के अंदर से कोई सोल्जर्स आए होंगे जिनको ईडब्ल्यूजी बोला जाता है, उन लोग अपने बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो 25 सितंबर से 30 सितंबर तक कंडक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन है, एडीएमएम और ईडब्ल्यूजी के बीच में प्लस क्यों लिखा गया है? इस साल एशियन कंट्रीज के बाद भी कुछ कंट्रीज यहाँ पर एशियन के बीच में, एशियन कंट्रीज के बाद भी कुछ कंट्रीज इस ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है कि आप भी अपना कंट्री के अंदर जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री है उनको बुलाइए और यहाँ पर मीटिंग पे अटेंड कीजिए। इसीलिए इस बार इसको बोला गया कि एडीएमएम प्लस एशियन कंट्रीज प्लस कुछ बाहर का कंट्री है जो यहाँ पर आके ऐड हुए हैं। इसीलिए एडीएमएम प्लस का मतलब हो गया एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस ईडब्ल्यूजी जो होता है एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल इंडिया का राजपूताना राइफल्स गया है वहाँ पर, वैसे हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई सोल्जर्स ग्रुप जो है वो आए होंगे इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करने और परफॉर्म करने। ठीक है, नेक्स्ट, लंच ऑफ थर्ड एमसीए बैरेज LSAM ER-77, ये देखिए क्या है। पहले हम समझते हैं कि बैरेज का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है पोर्ट, इसको बोलते हैं हम बैरेज। ठीक है, ये एमसीए बैरेज का मतलब क्या है, देखिए आप सोचिए, यह सी है, सी लेवल, यहां पर आपका आईएनएस है, सोच लीजिए आईएनएस विक्रांत है। इस आईएनएस के पास अभी आपको टॉर्पिडो लेके जाना है, यानी कोई गोला बारूद लेके जाना है। कोई तो ऐसा शिप होना चाहिए जो कि एक आईएनएस के पास टॉर्पिडो और गोला बारूद लेके जा सकता है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट यानी फाइटर जेट लेके जाना पड़ेगा आईएनएस के पास, ऐसे तो कोई एयरक्राफ्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हम जेट को लेके लोडिंग और अनलोडिंग करके आईएनएस के पास ले सकते हैं। तो वैसे ही इसीलिए इसको बनाया गया है एमसीए बैरेज को। एमसीए बैरेज का जो है उसका दो काम है, एक काम है एमुनेशन। एमुनेशन, एमुनेशन का मतलब होता है जो भी गोला बारूद और ऐसा कैरियर जो कि गोला बारूद और टॉर्पिडो को कैरी करता है उसको बोलते हैं एमुनेशन, प्लस एम्बॉक्सन। एम्बॉक्सन का मतलब होता है लोडिंग, लोडिंग द आर्टिकल्स। इसके अंदर अगर ऊपर हमको अगर फाइटर जेट लेके जाना होगा तो वो लोडिंग होगा, अगर कुछ सामान इसको निकालना होगा और आईएनएस में डिप्लॉय करना होगा तो यहाँ से अनलोडिंग करके आईएनएस में लेके जाना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम दो काम है, एक तो एमुनिएशन मतलब कुछ गोला बारूद या टॉर्पिडो लेके जाएंगे आईएनएस के पास, और दूसरा चीज है अगर और कुछ जैसे कि फाइटर जेट का अगर लोडिंग अनलोडिंग करना होगा तो इसके ऊपर फाइटर जेट को लेके आईएनएस के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसका काम यही है, इसको बोलते हैं एमसीए बैरेज। तो ER-77 क्या है, देखिए यार्ड होता है इसका लेंथ और इसका जो एरिया होता है। ER-77 के साथ LSAM-9 भी जुड़ा हुआ है। आपका यार्ड का लेंथ अगर बढ़ेगा तो ये LSAM का भी नंबर इंक्रीज होगा। इससे पहले ये तो आपका थर्ड एमसीए बैरेज है, फर्स्ट एमसीए बैरेज जो है उसका यार्ड है 125 आई थिंक, उसका LSAM है 15। मतलब यहाँ पर यार्ड जितना इंक्रीज होगा LSAM का नंबर भी उतना इंक्रीज होगा। इससे पहले दो एमसीए बैरेज लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट वाज लॉन्च इन 24 फरवरी इन दिस ईयर, सेकेंड वन वाज 18 अगस्त, दोनों इस साल लॉन्च हुआ है, डिप्लॉय किया गया सी के अंदर। अभी ये थर्ड एमसीए बैरेज को सी के अंदर डिप्लॉय किया गया। ठीक है, इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, इसको मैन्युफैक्चर करता है सेकन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में है ये कंपनी इसको बनाता है। इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाता है, गोटा देवी ईस्ट गोदावरी में, ईस्ट गोदावरी से
आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसको डिप्लॉय किया जाता है सी के अंदर, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी डिसाइड्स टू सीक सजेशन फ्रॉम नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिक पार्टीज एंड द लॉ कमीशन ऑन होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स। अब देखिए क्या है इसका मीनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 सितंबर को ये बोल गया कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं जिसके 8 मेंबर्स होंगे, वो हमको रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो भी होगा कंडक्ट होगा उसके बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करने बोले, आप उसको वेरीफाई कीजिए, आप रूल्स बनाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए। तो पहला जो मीटिंग है वो मीटिंग अभी कंडक्ट हुआ था, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कमिटी में अगर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम हर नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएंगे, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, देन हम लॉ कमीशन को भी बुलाएंगे, उनके साथ भी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उसके बाद उन सब का राय लेने के बाद फिर जाके ये जो कमेटी का 8 मेंबर्स है वो खुद अपना राय बनाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप देंगे। यहाँ पर अभी तक जो इम्पोर्टेंट है कि 8 मेंबर, अभी आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो कमेटी बनाएगा तो इन चारों में से कौन है वो मेंबर जो इसके अंदर नहीं है, तो आपको 4 8 मेंबर्स का नाम हमेशा याद रखना होगा। एक है आपका रामनाथ कोविंद जो हेड है, सेकंड है अमित शाह, थर्ड वन इज अधीर रंजन चौधरी, फोर्थ वन इज गुलाम नबी आजाद, फिफ्थ नंबर इज एन के सिंह, सिक्स्थ नंबर इज हरीश साल्वे फेमस लॉयर, संजय कोठारी एंड एट नंबर वाज सुभाष सी काश्यप। ठीक है, तो ये 8 मेंबर्स है, ये 8 मेंबर्स अभी डिसाइड क्या किए कि हम नेशनल और स्टेट का सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, उनका राय लेंगे, उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे, फिर लॉ कमीशन को भी बुलाएंगे, उनके राय के ऊपर भी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद सारे रिपोर्ट को मिला के फिर इन 8 जन जो कमेटी है उनके सारे इनका भी जो मत होगा उस सबको ऐड करके रामनाथ कोविंद के हेड पर एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनाया जाएगा, उस रिपोर्ट को फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देंगे। उसके बाद उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर पाना क्या संभव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे उसको कंडक्ट किया जा सकता है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नासा फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल्स लैंड ऑन अर्थ आफ्टर रिलीजेस फ्रॉम स्पेस। यहाँ पर ये क्या आ गया है, ये नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। देखिए, नासा फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल लैंड ऑन अर्थ आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम स्पेस, पहले से समझते हैं इसको मीनिंग क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, ये आपको एक एस्ट्रॉइड के अंदर दिख रहा है, इस एस्ट्रॉइड का नाम है 101955 बेनू, BUNNU। ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ का एटमोस्फेयर के आसपास, अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो है वो आके टकराते हैं, और फिर कोई भी एस्ट्रॉइड अगर अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर आएगा तो वो क्या होता है सर, स्मैश हो जाता है, जल के राख हो जाता है, क्योंकि यहाँ में ऑक्सीजन होता है इसीलिए। लेकिन बेनू एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जो बहुत साल से अर्थ के चारों तरफ हमेशा घूमते जा रहा है, वो उसका काम है कि अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लेगा, उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एक स्मॉल प्लानेट है तरफ, इसका डायमीटर है शायद 412 ऐसे 420 डायमीटर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये क्या करे बहुत साल से अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है, लेकिन कभी भी हमेशा यही लगता है कि वो इस साल शायद अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर कोलाइड हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर एंट्री नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसलिए इसको रिसर्च करने के लिए नासा ने एक ओसरिस करके, ओसरिस रेक्स नाम का एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट 2016 को भेजा था बेनू के पास,
अब देखिए जो बेनु एस्टोनेट सॉरी एस्ट्रॉयड है, उस एस्ट्रॉयड से आपका मिनरल्स और उसका स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था ओसिरिस एंड रेक्स। 2016 में एक स्पेसक्राफ्ट को नासा भेजा था, कहाँ पर? बेनु के एटमॉस्फेयर पर, बेनु का छोटा सा एटमॉस्फेयर है। और 2018 को ये स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स लैंड हुआ कहाँ पर? यहाँ पर इस सरफेस पे ओसिरिस रेक्स का एयरक्राफ्ट जाके स्पेसक्राफ्ट जाके लॉन्च होता है। 2018 से लेकर 2022 साल के बीच में इस एस्ट्रॉइड से वो स्टोन कलेक्ट करता है, स्टोन प्लस मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके वो 2 दिन पहले अर्थ में आके लैंड कर जाता है वो स्पेसक्राफ्ट। अब देखिए, अब ये जो स्टोन और मिनरल्स कलेक्ट करके लाए उसका वेट है 250 ग्राम। 250 ग्राम का स्टोन और मिनरल्स कलेक्ट करके लेके आया है कौन? ओसिरिस एंड रेक्स इस एस्ट्रॉयड से। कि ये एस्ट्रॉयड का ऐसा क्या मतलब स्पेसिफिकेशन है जिसके लिए वो आर्थ के चारों तरफ हमेशा घूमते रहते हैं लेकिन आर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर कभी एंट्री नहीं करते। इसको रिसर्च करने के लिए ओसिरिस रेक्स का जो स्पेसक्राफ्ट गया था वो अभी स्टोन और मिनरल्स कलेक्ट करके लेके आया है जिसका वेट है 250 ग्राम ओनली। अभी इसको रिसर्च लैब में भेजा जाएगा और फिर रिसर्च किया जाएगा कि इसके अंदर क्या ऐसा कुछ साइंटिफिक चीज है जिसके लिए ये एस्ट्रॉयड आज तक आर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर एंट्री नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कल से ये वीडियो जो है वो 5 से 6 बजे के बीच में डेली अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह। ओके बाय।